subscribe and press the bell icon for latest update. अपनी कामुकता पर काबू पाने का एक कॉमन तरीका है मास्टरबेशन। एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुलकर बातें नहीं होती हैं। यह वर्जित टॉपिक है जिस पर लोग बात करने में शर्म महसूस करते हैं। इसके ठीक उलट आंकड़े बताते हैं 95% पुरुष और 89% महिलाएं डेली बेसिस पर मास्टरबेशन करती हैं। मास्टरबेशन से सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। यदि आप बहुत ज़्यादा करते हैं या नशे की तरह लत पड़ गई है तब आपको किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। दुनिया भर में कई हेल्थ रिपोर्ट की स्टडी करें तो पता चलता है कि मास्टरबेशन सेक्सुअली टेंशन को कम करने का सबसे अच्छा और हेल्दी तरीका है। हेल्थ प्रोफेशन के मुताबिक अपने प्राइवेट पार्ट को टच करना बेहद नेचुरल है। ऐसे में मास्टरबेशन को सेक्सुअल एक्सप्रेशन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ऑर्गेज्म यानी चरम आनंद ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। पुरुषों को सामान्यतः स्पर्म निकलते वक्त आनंद आता है। अधूरी उत्तेजना और गलत सेक्स टेक्निक महिलाओं के ऑर्गेज्म को कम करता है। वक्त से पहले स्पर्म का गिरना और फोरप्ले में कमी महिलाओं के आनंद को कम करता है। इसका कोई कट पॉइंट्स नहीं है, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन औसत देखा जाए तो हफ्ते में 3 बार ठीक है। मास्टरबेशन पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। इससे प्रजनन क्षमता पर किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। सेक्सुअली कमजोरी और कामुकता में कमी की बात भी पूरी तरह से अफवाह है। यहाँ तक कि जानवरों में कुत्ते, बिल्ली और बंदर भी मास्टरबेशन करते हैं। मास्टरबेशन के दौरान धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड का फ्लो भी बढ़ता है और मसल में शक्ति आती है। इन सारी शारीरिक प्रक्रियाओं के कारण तनाव से मुक्ति मिलती है। जैसे कि आप सेक्स के बाद राहत और तनाव से मुक्त महसूस करते हैं। अपनी कामुकता को काबू में रखने के लिए मास्टरबेशन पूरी तरह से सेफ प्रक्रिया है। यदि पुरुष या महिला सेक्सुअली डिसफंक्शन से पीड़ित हैं तो मास्टरबेशन से कई चीज़ें समझ सकते हैं। यदि पुरुषों में सेक्स के दौरान वक्त से पहले स्पर्म गिरने की समस्या है तो मास्टरबेशन को लर्निंग टूल की तरह समझा सकते हैं। आप इसमें सीख सकते हैं कि खुद पर कंट्रोल कैसे किया जाए। जब आप सेक्सुअल क्लाइमैक्स पर होते हैं और फील गुड जोन में पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हॉर्मोन्स निकल चुके हैं। जब ऑक्सीटॉक्सिन और एंड्रोफ्रिन हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं तब आप फील गुड जोन में होते हैं। मास्टरबेशन के दौरान इन हॉर्मोन्स के निकल जाने के बाद आप बेफिक्र होकर बिना किसी बेचैनी से सोते हैं। अच्छी नींद अच्छी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत ही थकाऊ दिन के बाद रात में अच्छी नींद के लिए मास्टरबेशन एक शानदार प्रक्रिया है। जब आप मास्टरबेशन के दौरान क्लाइमैक्स पर होते हैं तब एंडोफ्रिन हॉर्मोन्स रिलीज होता है। इस हॉर्मोन्स के रिलीज के बाद आपकी बेचैनी खत्म हो जाती है और आपको मानसिक शांति मिलती है। क्यूरन हेल्प डेस्क की रिपोर्ट।